हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, यूपीएल का प्राइस कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब तो इतना ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों कि लोग जो हैं अपना स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आपको बिल्कुल भी यूपीएल को सेल नहीं करना है। हालांकि अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 540 के आसपास चल रहा है, तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप यूपीएल को सेल मत कीजिएगा। अगर आपने इधर 570 या 580 के आसपास, मतलब कि इतना भी अगर हाइयर में आपने खरीदा, बहुत लोग ऐसे हैं जो 590 के आसपास खरीदे, तो मैं बोलूँगा दोस्तों होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। दोस्तों आपको पैसा ज़रूर मिलेगा अगर आप अभी सेल कर देंगे, और जैसे ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा तो आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेल नहीं करना है, आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा, ठीक है, इसका भी तो एक वजह होता है कि दोस्तों स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा। तो दोस्तों इसका जो स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, जो अभी क्वार्टर मंथ है, ये जो आ रहा है दोस्तों जनवरी में सब सारी कंपनी का जो है रिजल्ट आता है, तो दोस्तों इस कंपनी का जो है क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है। हालांकि नेगेटिव नहीं आया है, ज़्यादातर ठीक ठाक है हम बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट जो क्वार्टर है दोस्तों उससे इस क्वार्टर में लॉस आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए आपके सामने जो है मैंने इसका रिजल्ट ला दिया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, फ्रॉम द क्वार्टर इंडेड, जो यहाँ पर आपको डेट बताया जा रहा है, ठीक है। द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड सेल्स ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो, 7817 करोड़, डाउन -1.13%, मतलब कि आपको अराउंड 1% का आसपास थोड़ा सा ही गिरावट हुआ है क्वार्टर रिजल्ट में। इस वजह से जो है अभी हमारे शेयर में इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है। तो अगर इस वजह से आप शेयर को बेच देना चाहते हो, क्योंकि ओनली 1% गिरावट हुआ है, और यस बैंक को आप इसलिए खरीदना चाहते हो, बहुत लोग हैं ऐसे जो यस बैंक, DHFL, PC ज्वेली को खरीदना चाहते हैं, इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि यस बैंक का पूरा क्वार्टरली रिजल्ट खराब है और असेट क्वालिटी ही पूरा खराब है। PC ज्वेली का भी देख लो, DHFL का भी देख लो, पूरा असेट क्वालिटी खराब है और पूरा कंपनी का फाइनेंशियल खराब है, फिर भी आप खरीदना चाहते हो। और इसमें दोस्तों ओनली 1% जो गिरावट हुआ है, तो आप अगर बेच के निकल जाओगे तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम लास्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ 7000, यहाँ देख सकते हो 7900 था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो लास्ट क्वार्टर था 7900 था, और इस क्वार्टर में देख सकते हो 7800 आया, अराउंड 100% उतना कमाने की वजह से, मतलब अगर परसेंट में देखो तो 1% की वजह से स्टॉक में गिरावट हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस वजह से स्टॉक में गिरावट हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा उसमें आपको इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट करके दिखाएगा और आपको इससे भी अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। हालांकि दोस्तों लास्ट क्वार्टर भी पॉजिटिव आया था, उससे पहले भी इसमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया था। और दोस्तों यूपीएल कंपनी इतनी अच्छी है कि आप बता नहीं सकते, मतलब बहुत फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी वही होता है जो टाइम टू टाइम डिविडेंड, टाइम टू टाइम आपको बोनस दे, टाइम टू टाइम आपको स्टॉक को भी स्प्लिट कर दे, ठीक है। तो देखिए डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, अगर कंपनी को 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उतना में ही सबको देगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा चाहे जो भी होगा। लेकिन अगर कंपनी को 110 रुपीज़ अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ जो है आप लोगों को डिविडेंड देगा, 2, ठीक है, क्योंकि कंपनी को 10 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो आपको 2 देगा। सपोज अगर कंपनी को 25 या 30 प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपीज़ को छोड़ के 130 चला जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगेगा, तो दोस्तों ये आपको बोनस भी देती है। तो सोचिए वही कंपनी जो है आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट देगी, जो ज्यादा लॉयल रहता है, जो ज्यादा ट्रस्ट रहता है कंपनी के ऊपर वही। अब यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी का डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों डिविडेंड ये कंपनी जो है आपको भर भर के देती है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, देख सकते हैं 2015 से 2019 तक देख सकते हैं डिविडेंड ये आपको भर भर के देती है डिविडेंड, ठीक है। ये डिविडेंड की बात रही, अब बोनस देखते हैं बोनस कैसे देती है कंपनी, ठीक है। तो बोनस भी यहां पर देख सकते हैं 2 बार आपको मिला है, 1:1, 1:2, दोस्तों 1:1 दिया है, और उसके बाद 1:2 भी दिया। सपोज ये आपको 1:4 नहीं दिया है, मतलब कंपनी अच्छी चल रही है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको स्टॉक स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ वो भी हम चेक कर लेते हैं, स्प्लिट, इससे पता चलता है कंपनी कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। देख लो स्टॉक जो है स्प्लिट भी हुआ, तो मैं बोलूंगा दोस्तों आपको ऐसी कंपनी को बेचना नहीं चाहिए, कंपनी बहुत ज्यादा
अच्छी है, आपको होल्ड करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यूपीएल का प्राइस आने वाले दिनों में आपको ज़रूर फोकस करना है। लेकिन एक बात और, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, एक या दो दिन के लिए नहीं बनाता हूँ। अगर इसका यूपीएल का क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया है, इस क्वार्टर में खराब आया, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और अच्छा परफॉर्म भी करेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब 3 मंथ, 3 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। थर्ड मंथ में जो है इसमें अच्छा से अच्छा ग्रोथ दिखेगा। और आपको अभी 540 के लेवल में है, आपको 640-670, मतलब 670 तक भी आपको इसमें देखा जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेगा, जितना ज़्यादा साल भर के लिए रखेगा, तो ये जो स्टॉक अभी 500 पे, 700 पे भी चला जाएगा, 700 को भी क्रॉस कर देगा अगर आप साल भर के लिए रखते हो। तो पेशेंस आपके पास जितना है दोस्तों, उतना ही आप पैसा कमाओगे। पैसा तो सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। 10,000 रुपये से मार्केट में 1 करोड़ बना सकते हो, 1 करोड़ 10,000 से, ठीक है। ओनली 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन सब लोग बोलते हैं मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन वो इंसान आपको आज पैसे देगा और कल ही पूछना स्टार्ट कर देता है कि कितना हुआ मेरा पैसा, कितना हुआ। एक दिन में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप जितना पेशेंस रखोगे ना, जिसके पास पेशेंस है वही मार्केट में पैसा बनाता है। तो ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।